हाउ आर यू? थैंक यू सर। देखो आज हम एक गेम खेलने वाले हैं यहाँ पे, हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स। ठीक है, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं इसमें, ठीक है, सब पे लिखे हुए ए बी आई ओ डी। ठीक है, अब आपको इसमें से करना क्या है, आपको इसमें से देखना है गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इज इट। चलो अब आप किसी दो के बीच की डिस्टेंस हम क्या करते हैं, गेस करेंगे। चलो आप इसमें से बताओ कि ए से एल के बीच कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी, गेस करना है कितनी होगी लगभग। सर 3.5 या 2.5। 3.5, ठीक है, अब नाप लेते हैं। देखो कितना है, कितनी आई, 3 सेंटीमीटर नहीं है, 3 से ज़्यादा है। देखो 3.3 से देखो 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही आपको गेस करना है कि कौन से दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ स्केल, डिड यू गेस राइट। ठीक है, तो हमने कितना गेस किया था ए से एल के बीच में, 3.5, और आया कितना, 3.3। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर द फार्देस्ट फ्रॉम ईच अदर, चेक योर आंसर। अब आपको ये गेस करना है कि ये इतने सारे डॉट्स हैं, सबसे ज़्यादा दूर कौन से दो डॉट्स होंगे, ये आपको गेस करना है। एक एक करके गेस करो, बताओ। डी से एच, ओके, डी से एच, चलो एक हो, एक बच्चे का हो गया डी से एच, चलो और ओ से एच, जी से एम, ठीक है, और ओ से एम, ओके, ओ से एम, वेरी गुड, और के से जी, ठीक है, के से जी, ठीक है, इतने ही हो सकते हैं गैस। अब चेक कर लेते हैं, सबसे पहले किससे कर लेते हैं, डी से एच, डी से एच, कितना एच है डी से एच, देखो 7 नहीं, डी से एच कितना आ रहा, 8.5 सेंटीमीटर। अब ओ से एच, ओ से एच सबसे बड़ा है ना, कितना आ रहा है, 9.09 अबे जी से एम, जी से एम देखो कितना है, 9.1। अब ओ से एम देख लेते हैं, ओ से एम देखो कितना है, 9.5। अब जी से के भी देख लेते हैं, जी से K. जी से हो गया तुम्हारा के, कितना रहा जी से के, 8.5। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन सा मिला हमें, ओ से एम, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ओ से एम क्या है, सबसे ज़्यादा दूर है। ठीक है, मुझे लगा था सर कि अगर हमने बिंदु पे टच कर दिया तो ऐसे वो हो जाएगा, नहीं ऐसे थोड़ा ना होता है, आपको नाप के चलेगा ना पता, पहले तो हमने गेस करना है, पहले तो हमने गेस किया, उसके बाद हमने एग्जैक्ट, हमको पता कहाँ से चलता है, स्केल से, क्योंकि हमारा गेस गलत हो सकता है, ठीक है ना। अगर एक ही तरफ होते डायरेक्शन सारी, माना हम बोलते भाई कि यहाँ से लेके और यहाँ की अगर हम एक साथ देखेंगे तब तो हमें पता चल सकता है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में हमको पता चलना पॉसिबल नहीं है। अब बोल रहे हैं विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर, चेक योर आंसर। अब आपको गेस करो कि सबसे पास दो कौन से हैं, सबसे पास डी से बी, ओके, ओ से डी और डी से ओ, हाँ एक ही बात है, ओ से डी या डी से ओ, चलो एक गैस ये हो गया, ओ से डी और डी से और डी से आई तो बहुत दूर है, साफ दिख रहा है, बी से आई भी काफ़ी दूर है, एम से एफ, दो सबसे पास यही लग रहे हैं, एक एम एफ लग रहा है और एक ओ डी लग रहा है। अब चेक कर लेते हैं कि कौन सा, चलो सी के भी मान लेते हैं, सी के, चलो सबसे पहले हम नाप लेते हैं ओ डी को, कितना है ओ डी, देखो 1.1। अब देखो एम एफ, एम एफ, एम और एफ कितना आ रहा है, 1.1 लगभग उतना ही है, 1.1। अब देख लेते हैं सी के, सी के तो थोड़ा ज़्यादा है, सी एट के देखो थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 1.2 के आसपास है ये, ठीक है, तो 1.2। तो सबसे पास कौन कौन से दो पॉइंट्स हैं, सी के नहीं, कौन से दो पॉइंट है पास, ओडी और एम एफ, ओडी और एम एफ दोनों लगभग बराबर हैं। ठीक है, क्लियर है, तो ये आंसर आप अपने नोटबुक में करोगे, ठीक है, ओके।